पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा शनिवार को बीएससी होम साइंस द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी गई है। परीक्षा में 63 छात्र शामिल थे, इसमें से 51 छात्रों ने परीक्षा में उत्तीर्ण कर ली है। 4 छात्र अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 7 छात्रों को पूरक की श्रेणी में रखा गया है। परीक्षा में मात्र एक विद्यार्थी की अनुपस्थिति रही, जबकि एक का परिणाम रवि विश्वविद्यालय द्वारा रोका गया है और नतीजा 80 से 95% रहा। देखिए, पंडित रविशंकर का यहाँ पे 2 वेबसाइट दिया, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें अपना विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद 24 घंटे के बाद अपलोड हो जाता है, उसे आप देख सकते हैं। और आपको बता दें फ्रेंड, नीचे में लिखा है कि आप नियम अनुसार छात्र नियम अनुसार निर्धारित तिथि तथा पूर्ण मूल्यांकन और पूर्णगण के लिए आवेदन कर सकेंगे। आपको आवेदन कैसे करना है उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए, रिजल्ट आने के बाद आपको 15 दिन के भीतर में ही आपको पूर्ण मूल्यांकन या पूर्णगण के लिए या रिटूटलिंग और रिवेल्यूशन के लिए फॉर्म भरना है। अगर दोस्तों 15 दिन से ज़्यादा होता है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो ये नियम अनुसार है, तो ये देख लीजिएगा। और ये देखिए, इस प्रकार से कैटेगरी बना दिया है, कितने लोग फेल हैं, कितने लोग पास हैं। इस पीडीएफ फाइल का भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाकर उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और जिनका भी रिजल्ट नहीं है, उसका भी रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। पंडित रविशंकर अभी उसकी तैयारी की जा रही है, जैसे रिजल्ट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ में दोस्तों, यहाँ पे पूर्ण मूल्यांकन का भी रिजल्ट आया, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। MBA MSCA के पूर्ण मूल्यांकन परिणाम भी जारी। मुख्य परीक्षा परिणाम के घोषणा के साथ रवि विश्वविद्यालय कई विषय का पूर्ण मूल्यांकन भी परिणाम भी जारी किए हैं। इसमें से MBA प्रथम सेमेस्टर और MSCA प्रथम व तृतीय सेमेस्टर और MSc कंप्यूटर साइंस तृतीय सेमेस्टर तथा MSc ITI शामिल है। पूर्ण मूल्यांकन के बाद MBA में 3 छात्र ए टिकट से उत्तीर्ण श्रेणी में आ गए हैं। इसी तरह से MSc प्रथम सेमेस्टर के 5 तथा तृतीय सेमेस्टर के 2 छात्रों को ए टिकट से उत्तीर्ण श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार से पूर्ण मूल्यांकन का भी रिजल्ट कल जारी किया गया है, और जैसे भी और भी रिजल्ट आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, हम मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।